गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं हर मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। अगर कोई मेडिसिन के बारे में आप लोगों को जानना है या पूछना है, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, मैं हर मेडिसिन के बारे में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को हेल्थ के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीख लेते हैं। आप लोग देखा ही होगा मेरा थंबनेल पर आज क्या है और मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बारे में जो बात करूँगा, इसका डोजेस क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है और कौन से आप कंडीशन पर इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो पर, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज जो बात करने वाला हूँ, जो दो टिप्स के बारे में बताऊँगा, जैसे मान लिया आपका एक सूखी कासवा है या ढीली कासवा है। देखिए मेरा हाथ पर जो दो मेडिसिन की दवाई की बोतल है, तो इसके बारे में बताऊँगा। अगर आपका ढीली कासवा है और सूखी कासवा है, ठीक है, तो पहला बात करेंगे आपका सूखी खांसी पर कौन से दवाई लेने से बेटर होगा। ठीक है, तो बात करेंगे, देखिए मेरा हाथ पर जो एक एक्सल 90 है, ठीक है, अगर आपका जो सूखी खांसी हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको कौन सा दवाई लेना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे दवाई लेने जाते हैं कोई मेडिसिन स्टोर पर, आपको देख लेना है पहले। ठीक है, आपको मान ले अगर आपका सूखी खांसी हुआ है तो आजकल बहुत सारे कंपनी निकला है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, हम जो इस दवाई के बारे में बताऊंगा आपका बहुत हेल्प होगा और बहुत रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको अगर दवाई लेना है तो आप देख लेने के बाद ही आपको दवाई लेना है। ठीक है, कौन सा कंपोजिशन आपको चूज़ करना है। ठीक है, आपका अगर सूखी कासवा है या सूखी कास के समस्या में आपका कौन सी दवाई लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया आपने एक फार्मेसी या कोई मेडिसिन स्टोर पर गया है आप दवाई लेने के लिए, जो आपका खांसी के प्रॉब्लम में अगर आपका सूखी कासवा है तो कौन सा कंपोजिशन देख के लेना है। ठीक है, आपका देखिए मेरे हाथ पर जो एक्सेल 90 सिरप है, ठीक है, इसका लगभग प्राइस 100 रुपीस होगा। ठीक है, कोई भी मेडिसिन स्टोर पर आप लोगों को एक्सेल 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है। ठीक है, इसका बहुत रिजल्ट मिलता है और इसका बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो देखिए इसका जो कंपोजिशन है, 2-3 कंपोजिशन है, अगर कोई एक्सेल 90 नहीं मिलता है तो कोई और दवाई दिया है आपको। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा, उसको कंपोजिशन क्या है उसके बाद ही आपको लेना है। ठीक है, उसको आपको लेना होगा, कौन सा कंपोजिशन लेना होगा आपको, अगर आपका जो सूखी खांसी हुआ है तो आपको लेना होगा डेक्सोमेथापेन। जो कंपोजिशन है डेक्सोमेथापेन जो कंपोजिशन है उसको देख के आपको लेना होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बात करेंगे, अगर आपका जो ढीली खांसी हुआ है या खांसी हुआ है, बहुत ढीली खांसी हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ढीली खांसी के बारे में बहुत सारा रिजल्ट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, कौन सा कंपोजिशन। ठीक है, आपको इस कंपोजिशन को देख के लेना होगा, जो एब्रोलिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसको देख के आपको लेना होगा। कोई भी मेडिसिन पर आपको लेना है या आपको उस कंपोजिशन देख के लेना होगा। ठीक है, इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए इसका डोजेस के बारे में बात करेंगे, तो ये डोजेस कैसे है आपका, जो एक 5 ml सुबह और 5 ml शाम लेना है खाने के बाद। ठीक है, अगर इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो देखिए इसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है, अगर मान ले आपका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो जैसा दिमाग में चक्कर आना और आपका पेट में जलन होना या शरीर पे कोई खुजली होना और जैसा आपका बोमी होना, इस कंडीशन पर आपका हुआ तो आप तुरंत इस दवाई को छोड़ सकता है, या आपका आसपास के कोई जो डॉक्टर है उसको साथ कंसल्ट करके इस दवाई को फिर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज तक यहाँ तक ख़त्म, अगला वीडियो पर कोई और टॉपिक पर बात